इंशाल्लाह। भाई मर्दों की क्या तैयारी होती है, औरतों के हजार एहतमाम होते हैं। सहूलत पूछी जाए उनको, कहें कि अपनी सहूलत देख ले, वरना कहीं मर्दों पर इल्जाम धरती फिरेंगे कि हमने बिना पूछे तारीख तय कर दी। शाह साहब जैसे आपकी मर्जी, आपने हमारा बड़ा मान रखा है। तैमूर को इस बार हम लेके नहीं आए क्योंकि पहली बार था, तुम्हारे जी ने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब आप चाहेंगे तैमूर हासिल हो जाएगा मुलाकात के लिए। इसे भी एक रस्म समझो सिकंदर, हम दोनों के खानदान सात पुश्तों से यहां पल रहे हैं, एक दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं। बड़े खानदानों के महल और गुंबद जो हैं वो सात कोस पहले ही नजर आ जाते हैं। और बेटा सच तो ये है कि हम चंद खानदान ही रह गए आला नसीब वाले इस पूरे खत्ते में, हमारा रिश्ता आपस में करना बनता है। बेशक। और बेटा एक बात याद रखना, आला खून में मिलावट हो जाए ना तो सात पुश्तों को भुगतना पड़ता है। बाबा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सिकंदर भाई, हमारे इर्द गिर्द जितने भी बेजोड़ रिश्ते तय हुए जिसमें लड़का या लड़की कम जात के या कम ओहदे के थे, वो सारे के सारे फैसले गलत साबित हुए। इसलिए हम खानदान वालों को पूरी कोशिश करनी है कि हमारे दरमियान कोई कम जात या बाहर का फर्ज शामिल ना हो, ताकि हमारे आला खून में मिलावट ना हो सके। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आजकल की नई नस्ल कहाँ ध्यान देती है माँ। हाँ ये तो है, तभी तो ये हाल है, न कमीन का पता लगता है ना मकीन का, असल और नकल की पहचान ही खत्म हो गई। हाकिम का ठाट पाट कुछ और होता है, रिया का रहन सहन कुछ और। बीबी साहब ये छोटा सा नजराना आपके लिए और ये तीरानी के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइए चाय के लिए आ जाइए। हाँ आ जा ना मेरी गुड्डी, आ आ जा। आइए आप। जब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कहती हूँ मेरी सहन रात बहुत हो गई है, इस वक्त सफर करना ठीक नहीं है, सुबह चले जाना ना। सहन बीबी उधर तैमूर भी इंतजार कर रहा होगा ना हमारा बेचैनी से। और अब ये तो अपना ही घर है, आना जाना लगा ऐसी। बिस्मिल्लाह बीबी, सदा हो साड़ी घर जिंदी रहे। सदा सदा अल्लाह दी अमान, अल्लाह दी अमान।